दोस्तों आपको तो पता ही होगा, जब ईद नजदीक आती है तो जानवरों की कुर्बानी के लिए पाकिस्तान के लोगों में होड़ लग जाती है और यही वजह है कि हर साल जानवरों की कुर्बानी की कीमत अंधाधुंध बढ़ती जा रही है और ये अब आम आदमी के बस की बात नहीं रही। लेकिन रईसों के शौक ही निराले होते हैं, वो कुर्बानी के लिए जानवरों की लाखों नहीं करोड़ों में बोली लगाते हैं। इतने पैसों में ये एक से बढ़कर एक शानदार और ताकतवर बैल कुर्बानी के लिए खरीदते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान की मंडियों में बेचे गए सबसे महंगे बैलों से रूबरू करवाते हैं, जिनकी कीमत सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको लाइक करने में केवल एक सेकंड लगेगा, प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीबी भागनरी। दोस्तों सबसे पहले आपको मिलवाते हैं ऐसे बैल से जो किसी बादशाह से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबी भागनरी की। सीबी बुल बादशाह के नाम से मशहूर है और इसके पीछे की वजह ये है कि इसने सीबी मेले की परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। सीबी मेला पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में लगाया जाता है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग अपने अपने जानवरों को आयोजित होने वाले खेलों में शामिल करने के लिए लेकर आते हैं और इस बार भी लोग अपने जानवरों को इस खेल में शामिल कराने के लिए लेकर आएंगे। लेकिन इस बार उनके सामने था सीबी भागनरी बुल, जिसकी हाइट 8 फुट है और इस मेले में इसके भारी शरीर और खूबसूरत नैन नक्श को सब देखते ही रह गए थे। कहना गलत नहीं होगा, इसने इस बार सीबी मेला लूट लिया था। आपको बता दें इसकी खुराक के बारे में, इसके मालिक का कहना है कि ये रोजाना 20 किलो दूध पीता है और ढेर सारा घी खाता है, जिसकी वजह से इसका वजन 25 मन तक बढ़ चुका है और इसकी कीमत 60 लाख रुपए तक देखी गई है। लाली बुल। दोस्तों अब हम आपको कराची के सूमा वाले कैटल फार्म ले चलते हैं, जहां आप देखेंगे एक ऐसा खूबसूरत और सेहतमंद बैल जो बरामन नस्ल का है और जिसका नाम है लाली। दोस्तों आप शायद सोच रहे होंगे इसका नाम लाली है तो इसकी बॉडी का कलर शायद रेड हो, लेकिन दोस्तों इसके नाम पर मत जाइए, इसकी बॉडी का कलर ब्राउन है और अपने इसी ब्राउन कलर और शाइनिंग स्किन की वजह से ये बेहद खूबसूरत नजर आता है। ये जब चलता है तब इसके गले की खाल जिस तरीके से लटकते हुए झूलती हुई नजर आती है वो इसे और ज्यादा खूबसूरत दिखाती है। और आपको बता दें कि इसे खरीदने वाला लकी इंसान वो है जिसने 65 लाख में इसे खरीदा है। प्योर चोलिस्तानी। दोस्तों हर साल सूरमा वाले कैटल फार्म में कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक बैल लाए जाते हैं, जिन्हें देखकर खरीदने वाला भी ऐसा कंफ्यूज होता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन सा बैल खरीदे। ऐसे में हम बात करेंगे प्योर चोलिस्तानी की। दोस्तों आपको बता दें कि प्योर चोलिस्तानी का वजन 25 मन तक होता है और इस भारी भरकम बैल की खूबसूरती को बढ़ाता है इसका शानदार सफेद रंग और इस पर ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स। दोस्तों इस बैल को देखते ही एक कहावत याद आ रही है, चांद पर दाग वाली। देखिए इसकी बॉडी को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। ये देखिए जब ये चलता है तो कितना शानदार लगता है ये। आपको बता दें प्योर चोलिस्तानी सूरमा वाले कैटल फार्म का बेचा गया अब तक का सबसे महंगा तीसरा बैल है, जिसकी कीमत 65 लाख तक फाइनल हुई थी। साहिवाली। सोराब गोद गाय मंडी के सबसे मशहूर कैटल फार्म के जानवर काफी हाई प्रोफाइल है। यहाँ हर बैल अपने आप में काफी एक्सपेंसिव है। इस फार्म के हर बैल की कीमत आसमान छूती हुई नजर आती है। यहाँ पर नजर आने वाला बैल हर एक मामले में अपनी मिसाल खुद पेश करता है, लेकिन साहिवाली की बात ही कुछ अलग है। उसकी लंबी झालर, नीला शरीर, लटकते हुए कान के अलावा इसकी बड़ी नाक इसकी पहचान है। साहिवाली बैल के आगे और पीछे का कुछ हिस्सा ज्यादातर काला ही नजर आता है और दोस्तों इसकी डाइट भी कुछ कम नहीं है। ये चारा तो खाता ही है बल्कि इसे ड्राई फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं। इसके मालिक का कहना है कि वो इसे देसी चारे के साथ काजू बादाम खिलाते हैं। और साहिवाली के वजन की बात करें तो इसका वजन 550 किलो से कम नहीं होता और दोस्तों इसको थोड़े बहुत में नहीं बल्कि पूरे 75 लाख में खरीदा गया था। फकरे चोलिस्तानी। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको अफरीदी कैटल फार्म के एक और शानदार बैल से मिलवाते हैं, जिसका नाम भी अपने आप में एक अलग ही शाही अंदाज है, यानी फकरे चोलिस्तानी। जब इसके मालिक से इसके नाम के पीछे की वजह पूछी गई तो उसका कहना था कि अब तक का चोलिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा है ये। इसके अलावा इसकी सुंदरता का पूरा चोलिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। वैसे दोस्तों आपको खुद इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके सफेद रंग पर ब्राउन स्पॉट्स इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। बता दें कि ये भी 75 लाख में बेचा गया था। बादल।
दोस्तों सूरमा वाले कैटल फार्म में हम आपको एक और आकर्षक बैल से मिलवाने जा रहे हैं, जिसका नाम बादल है। अपने नाम की ही तरह जब बादल ने इस फार्म में एंट्री करी तो वह बादलों की तरह इस फार्म में छा गया। आपको बता दें कि ये ब्राह्मण नस्ल का बैल है, इसका कलर भी ब्राउन है और इसकी मटकती चाल का तो वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। और सूरमा वाले कैटल फार्म में इसकी कुर्बानी के लिए 80 लाख में इसे खरीदा गया था। जैस्मिन, दोस्तों अफरीदी कैटल फार्म में साहीवाली और फकरे चोलिस्तानी को आपने देख ही लिया है, लेकिन अब इस फार्म का वो बैल दिखाने जा रहे हैं जो इन सभी बैलों को मात देता है और उसे देखकर आप बाकी बैलों को भूल जाएंगे। ये दिखने में बेहद ही शानदार है। जैस्मिन की खूबसूरती का यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। जब ये चलता है तो इसकी बाहरी झालर और इसकी शानदार चाल इसे रोबीला बैल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आप इसे देखकर पता लगा सकते हैं कि जिस तरह इसके गले में भारी झालर लटकती है वो अपने आप में इसको एक एक्स्ट्रा लुक देती है। इसका भारी शरीर एक ताकतवर बैल के रूप में अलग पहचान देता है। आप देख सकते हैं कि इसे अपनी जगह से हिलाने के लिए भी इस इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इस बैल के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में इसकी कीमत पूरे 85 लाख में लगी थी और यहाँ से निकलकर किसी और के घर की शोभा बढ़ाने के लिए ये पहुँच गया था। सुल्तान, दोस्तों अब आपको अफरीदी कैटल फार्म में लाए गए एक और अट्रैक्टिव बैल को दिखाते हैं, जो अपने नाम के तरह ही बिल्कुल सुल्तान की तरह दिखता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम सुल्तान है। सुल्तान का जेट ब्लैक कलर और इसकी चमकती हुई खाल इसकी शान और शौकत को दोगुना कर रही है। सुल्तान एक स्पेशल बैल है और ये दो ताकतवर बैलों की मिक्स ब्रीड है। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा बैल देखा गया है। इतना ही नहीं, जब ये दौड़ता है तो अच्छे अच्छे बैलों की छुट्टी कर देता है। और सुल्तान भी अपनी तमाम खूबियों की वजह से 85 लाख में खरीदा गया था। K2, दोस्तों अब तक आपने सूरमा वाले की कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक बैलों को देख लिया है, लेकिन अब आपको इस फार्म का सबसे महंगा और बड़ा बुल दिखाएंगे। ये विशाल शरीर की वजह से K2 के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों K2 की नस्ल भी ब्राह्मण है और इसका वजन भी करीब 45 मन का है। बता दें कि K2 लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया था, लोग इसे दूर दूर से देखने आते थे। K2 इस फार्म की शान है। आपको बता दें कि K2 कराची किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये न केवल कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में काफी महंगा बेचा गया है, जिसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दरअसल इसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में लगी थी। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे 1 करोड़ में बेचा गया। सोचिए, जिसने इसे खरीदा होगा उसने इसे खरीद कर ना जाने कितने लोगों को जेलस फील करवाया होगा। कुतुब मीनार, दोस्तों जिस बैल को अब हम आपको दिखाने वाले हैं उसे कराची के जुराब मंडी में रखा गया था और इसका कुतुब मीनार नाम सुनकर एक पल के लिए आप भी हैरान हो गए होंगे। तो बता दें, इसके भारी भरकम शरीर और इसके आकार को देखकर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। सफेद रंग पर ब्राउन पैचेस वाले इस रोबीले बैल का वजन 1600 केजी से भी ज्यादा है और दोस्तों ये भी अब तक के सबसे टॉप हाई कॉस्ट बैलों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। और ये विशालकाय बैल 1 करोड़ में बेचा गया था। इतना ही नहीं, इसे तो 5 लाख का तो सिर्फ हार ही पहनाया गया था। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों क्या आपने कभी अमेजोन जंगल के बारे में सुना या पढ़ा है? अमेजोन का जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ पर तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं जो सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि कोई इंसान इनके नजदीक आए और वो उसे अपना निवाला बना ले। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अमेजोन जंगल में जंगली कबीले भी मौजूद हैं, जहां पर खतरनाक आदिवासी रहते हैं जो कि बाहर के लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये आदिवासी बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें से कुछ आदिवासी बिना कपड़ों के भी रहते हैं। अगर आप अमेजोन के जंगल में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है।